हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पर हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोग को लेके क्षार सूत्रा को लेके समाज के अंदर जितनी भी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से 100% खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बनाने का हमारा मकसद है, मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर जो आप तेल बताते हो, जैतून तेल जो आप बताते हो उसको लगाएं कैसे, कैसे उसको यूज करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं जैतून तेल को लगाने का तरीका, सही तरीका, अगर आप घर के अंदर अकेले हो तब भी या घर के अंदर आपके साथ कोई अटेंडेंट है तब भी कैसे आप यूज कर सकते हो, कैसे आप उसको इजिली और सुरक्षित तरीके से लगा सकते हैं जिससे कि आपको कोई नुकसान भी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज जैतून तेल का या किसी भी तरह के तेल का मलद्वार के अंदर लगाने का सही और सुरक्षित तरीका बताने जा रहे हैं। इसको कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं घर के अंदर, इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसकी बिल्कुल नहीं करना। अगर आप मलद्वार के रोगी हो तो ध्यान से कंप्लीट वीडियो देखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर तेल लगाने का सबसे अच्छा तरीका बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि पहले तो पेशेंट की पोजीशन का पता होना चाहिए कि उसको तेल लगवाना कैसे है। उसको लिथोडोमी पोजीशन बोलते हैं, आप इमेज में देख सकते हो कि किस तरह से पेशेंट को तेल लगवाना है। ठीक है, अब इस पोजीशन में लेटने के बाद जो आपके साथ अटेंडेंट है, अटेंडेंट कोई भी हो सकता है, घर के अंदर फैमिली का कोई भी मेंबर, आपका बेस्ट फ्रेंड, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो सकता है जो आपको इजिली दवाई लगा दे। जैसे अभी मम्मी हो सकती है, अगर किसी की सिस्टर को प्रॉब्लम है उसकी मम्मी लगा सकती है, किसी की भाभी लगा सकती है, तो जो भी घर के अंदर मेंबर है उनसे आप दवाई लगवा सकते हैं। जिसके पास अटेंडेंट है उसके लिए पहले बता रहे हैं दवाई लगाने का तरीका। ठीक है, सबसे पहले ग्लव्स डाल लिया, आप पेशेंट पोजिशन पे लेटा हुआ है, ग्लव्स डाल लिया। ग्लव्स डालने के बाद सबसे पहले जायलोकेन लेना है, जायलोकेन, लिग्नोविन, जायलोकेन, लोक्स 2%, बहुत सारी कंपनियां बनाती है। ये इसलिए देते हैं जिससे कि पेशेंट का मलद्वार जो है वो लुब्रिकेट अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि ये लोकली एनेस्थीसिया देता है, हल्का सा सुन कर देता है सुपरफिशियली। अगर पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, तो केवल वो तेल से भी लुब्रिकेट कर सकता है, तेल से भी नॉर्मली मसाज करके लुब्रिकेट कर सकता है। ठीक है, तो पहले आप लुब्रिकेट करो उस ट्यूब से, चिकना करने के बाद बाहर वाले पॉइंट को स्लोली स्लोली फिंगर को अंदर डाले। अब फिंगर को डालने का तरीका भी ऐसा नहीं, ऐसे नहीं डालना, ऐसे ऐसे डालना है, स्लोली स्लोली अंदर जाए, रोटेट करें, फिर स्लोली स्लोली अंदर जाए। तो इस तरह का प्रोसीजर आपको 3-4 बार करना है दवाई को अच्छी तरह लेके, जायलोकेन जेली को। उसके बाद जब मलद्वार चिकना हो जाएगा, एक सिरिंज ले, 2 ml की ले लो, 5 ml की ले लो, जो भी आपको बेटर लगे, 3 से 4 ml तेल इसके अंदर भरो। तेल आपका ये है, तेल कोई भी कंपनी का हो सकता है, जैतून तेल आप लो, क्योंकि जैतून ही आपको मिलेगा मार्केट के अंदर। इसको अच्छी तरह भरने के बाद, अच्छी तरह भरने के बाद मलद्वार के अंदर, ऐसे मलद्वार है, लुब्रिकेट आपने किया हुआ है, उसको ऐसे पॉइंट रख के सिरिंज से स्लोली स्लोली पुश कर दो। अब स्लोली स्लोली पुश करने के बाद बहुत से पेशेंट कहते हैं सर ये तेल बाहर निकल जाता है। तो जब बाहर निकलता है तो उसके लिए एक इंतजाम करो, कॉटन का कोई भी बड़ा गोद पीस टाइप का रखो अपने पास, और जैसे तेल निकलता है तो नीचे ही रखो उसको, तुरंत के तुरंत उसको मलद्वार के ऊपर रख दो, एक तरह से पट्टी की तरह हो जाता है, ड्रेसिंग की तरह हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सुबह शाम अपनी ड्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ड्रेसिंग करने से पहले मलद्वार अच्छी तरह साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गंदगी को साफ करने का तरीका आप नॉर्मली कुंगने पानी से उसको वॉश कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका तरीका है जिसके पास अटेंडेंट है। अब ऐसे पेशेंट बहुत से आते हैं कि सर मेरे पास तो अटेंडेंट नहीं है, सर मैं तो अकेला हूं, मैं कैसे दवाई लगाऊं। तो ऐसे पेशेंट के लिए क्या करना है, ऐसे पेशेंट नॉर्मल जो इंडियन स्टाइल में पोटी करते हैं उस स्टाइल में बैठने के बाद हल्का सा जायलोकेन लगा सकते हैं, चिकना करें मलद्वार को, चिकना करने के बाद हल्का सा फिंगर को स्लोली स्लोली रोटेट करें, ग्लव जरूर डालें, अपनी प्लेन हाथों से नहीं लगाना। ठीक है, एक नाखून छोटे होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्लोली स्लोली रोटेट करें, जब वो चिकना हो जाए उसके बाद एक छोटी सी कॉटन ले, तेल को खोले और कॉटन को खूब अच्छी तरह उसके अंदर भिगो के, मतलब भीगी हुई कॉटन होनी चाहिए, इसको पिचू बोलते हैं, इसको भिगो के
मल द्वार के अंदर ऐसे लेट के कैसे भी जो भी आपको पोजिशन अच्छी लगती है मल द्वार के अंदर ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे रखने के बाद ऊपर से अपना कॉटन वगैरह रख दे, पट्टी की तरह वो भी हो जाएगा। तो ये भी तरीका पेशेंट्स के लिए जिनके पास कोई अटेंडेंट नहीं है उनके लिए, वैसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है पहले वाला कि साथ वाला कोई बंदा हो, क्योंकि साथ वाला बंदा इस तरह लगाने के बाद, तेल को लगाने के बाद वो इसको भिगो के तब भी लगा सकता है, लेकिन जिसके पास अटेंडेंट नहीं है उसके लिए इस तरह से पिचू अंदर डालें। बहुत से कहते सर अंदर चला जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं, मोशन में निकल जाएगा सुबह। ठीक है, तो अंदर डालें, शाम को जब दवाई लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली हाथ से निकाल दो, फिर उस तरह से लुब्रिकेट करो, फिर शाम को फिर नया डाल दो। तो ये तरीका है घर के अंदर तेल को सुरक्षित तरीके से लगाने का। अकेला बंदा भी लगा सकता है जैसे तरीका बताया है, और साथ में अटेंडेंट हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो। जय हिंद, जय भारत।